लोकसभा संसदीय क्षेत्र शिमला से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप के समर्थन में पांवटा साहिब पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने राजपुरा में एक नुक्कड़ सभा में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए अजय भट्ट ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि देश पिछले 10 सालों में एक मजबूत हाथों में आया, जिस वजह से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। विश्व की वीटो पावर माने जाने वाले अमेरिका और रूस भी भारत के दीवाने हो गए। उन्होंने लोगों से अपील की कि मोदी को एक बार फिर पीएम बनाने के लिए बीजेपी को जिताएं, कमल का बटन दबाएं। कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 1 तारीख को अंतिम चरण का मतदान। हिमाचल में सभी जगह जो लहर चल रही है उसके आगे कोई टिक नहीं सकता है। हिमाचल की चारों सीटें भारी बहुमत से निकल रही हैं, इसमें कोई शंका है ही नहीं, कहीं से कहीं तक कोई शंका नहीं है। और मोदी जी के प्रति लोगों में विशेष प्रेम है और मोदी जी ने हर एक के मन में स्थान बना लिया है। अच्छे पढ़े लिखे जो समझदार कांग्रेस के या विपक्ष के लोग हैं वो भी सीधे सीधे मोदी जी को ही समर्थन करते हैं, जो मुझे अंदाज आ रहा है यहाँ का, क्योंकि उनके लिए भी तो सारी योजनाएं बन रही है। देश आज जो आगे गया अकेले मोदी जी का या मेरा या आपका नहीं है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर पार्टी के लिए है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और विपक्ष के अन्य लोग भी शामिल है। अंतर मन से वे स्वीकार करते हैं कि मोदी जी राष्ट्र हित में जो काम कर रहे हैं, न भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ न अब हो रहा, अब सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है जो हो रहा है। इसलिए मोदी जी के प्रति जो एक विशेष स्थान लोगों ने अपने दिल में बनाया है, वो समर्पित भाव से मोदी जी को कमल के फूल को वोट करने वाले हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पांवटा साहिब से प्रेम वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।